Hello everyone, hope you all are good. So today we will discuss about the acid base indicators. So indicators kya hote hain? They are special substances that have different colors in acidic and basic medium. So ये special substances होते हैं जो कि हमने choose किए हैं. क्यों चूज किए हैं? ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई जो अननोन सब्सटेंस है हमारे पास वो एसिडिक है या बेसिक है, मींस उसमें एसिड प्रेजेंट है या उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है. तो उन सब्सटेंसेस को जो कि ये बताएंगे, जो कि ये टेस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स क्या हेल्प करते हैं हमारे? वो ये हेल्प करते हैं कि whether a substance is acidic or basic in nature. अब ये जो indicators हैं, इनके भी different types हैं. There are two types of indicators. Indicators can be naturally found. Naturally हमारी nature में, हमारी natural things में से हमने उनको लिया है और उनको हम use करते हैं, जैसे कि litmus है, turmeric है, china rose petals हैं. ये तीन mainly used natural indicators हैं, and in spite of that there are many synthetically made indicators also जिनको हमने labs में prepare किया है. And for you up to this level mainly are phenolphthalein and methyl orange. So in our this video we will discuss about these natural and synthetic indicators. So firstly we will discuss about the natural indicators. और natural indicators में first है हमारे पास litmus. Litmus जो है वो एक natural dye है, natural indicator है. और ये हमें कहाँ से मिलता है? We get it from the lichens. Lichen से ये extract किया जाता है और इसका जो है water में, pure water में या distilled water में जब solution बनाया जाता है तो ये कौन से color की होती है? ये होता है पर्पल कलर. मीन्स जो लिटमस सॉल्यूशन है, इंडिकेटर है जो लिटमस, इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का होता है? वो पर्पल कलर का होता है. अब ये पर्पल कलर का लिटमस इंडिकेटर जो है ये हमें कैसे बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है, एसिडिक है या फिर बेसिक है? सो ये क्या करेगा, लिटमस सॉल्यूशन को अगर किसी अननोन सॉल्यूशन में हम डालेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो अगर तो वो रेड टर्न हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया फ्रॉम द पर्पल. जब पर्पल से, पर्पल को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो अगर तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो गया, इट मींस उसमें एसिड प्रेजेंट था. और अगर उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया, इट मींस वो जो सॉल्यूशन था, अननोन सब्सटेंस था, वो था एक बेस. सो लिटमस टेस्ट हमें क्या बताता है? अगर तो सॉल्यूशन जो है रेड कलर का हो गया, इट मींस वो एसिडिक है, और अगर वो सॉल्यूशन हो गया ब्लू कलर का तो इट मींस वो बेसिक है. तो लिटमस सॉल्यूशन से, लिटमस सॉल्यूशन के ओ फिल्टर पेपर के ऊपर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, जिनकी की एब्जॉर्बिंग पार अच्छी होती है, उनको उनके ऊपर ड्राई करके सॉल्यूशन को डाल के स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी कट कर लिया जाता है, जो कि आपको स्कूल में लैब्स में टेस्टिंग के लिए इजीली अवेलेबल होती हैं, उनको बोलते हैं लिटमस पेपर स्ट्रिप्स. और वो अवेलेबल होती है टू कलर्स में, वन इज ब्लू लिटमस पेपर एंड अदर इज रेड लिटमस पेपर. तो स्टूडेंट्स को मेनली स्ट्रिप्स दी जाती हैं टेस्ट करने के लिए सब्सटेंसेस को कि वो एसिडिक है या बेसिक है. तो ये हमें कैसे वेरीफाई करती हैं हमारे टेस्ट को? सपोज यू आर हैविंग ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप है, तो आपको नहीं पता है कि जिस सब्सटेंस को आपने चेक करना है कि वो एसिड है या बेसिक है अपनी नेचर में. तो जब आप ब्लू स्ट्रिप के ऊपर उस अननोन मटेरियल को पोर करोगे, डालोगे, या स्ट्रिप को उसमें ही आप डिप करोगे, तो अगर तो वो जो स्ट्रिप है आपकी ब्लू कलर की ही रहती है, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन था एक बेस. और अगर वो सॉल्यूशन डालने के बाद आपकी पेपर स्ट्रिप वहां से रेडिश कलर की हो जाती है, इट मींस वो सॉल्यूशन है एसिडिक. आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, ब्लू पेपर स्ट्रिप जो है, अगर तो वो उसके ऊपर हमने एक चीज डाली जो बेसिक थी, तो स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा. अगर हमने उस पर वो मटीरियल डाला जिसमें कि एसिड प्रेजेंट था, तो वो हो जाएगी रेड.
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके पास लेमन है, आप लेमन को स्क्वीज करके उसका जूस लोगे, ब्लू स्ट्रिप पे डालोगे, तो अगर वो लेमन जूस डालने पे क्या होगा, वो ब्लू स्ट्रिप जहाँ पे आपने लेमन जूस डाला है तो वो वहाँ से रेड हो जाएगी। इट शो, आपको ये शो कर देगा कि वो लेमन जो है उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है चेंज। क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप भी होती है, वो क्या करती है, अगर तो रेड लिटमस पेपर पे हमने दोबारा से एसिड सॉल्यूशन डाला है, मींस हमने अपना लेमन का जूस डाला है, तो वो रेड थी और रेड ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके अपोजिट अगर आपने, आपको तो पता है कि फिर तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर हमने किसी और चीज़ का चेक करना है, जैसे कि आपने ली इनो ले ली, डाइजीन की टैबलेट ले ली, उसको पानी में डिजॉल्व करके उसको आपने अगर इस पर डिप किया है स्ट्रिप को उसमें, तो क्या होगा, ये रेड स्ट्रिप चेंज हो जाएगी आपके ब्लू में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एसिड है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और जो बेस होता है वो क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू में चेंज। ये था अबाउट आवर फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज लिटमस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड इंडिकेटर, दैट इज टर्मरिक। सो आवर नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक। अब टर्मरिक सॉल्यूशन, पहले ये जो है टर्मरिक है या फिर चाइना रोज पेटल्स है, ये जो है होममेड इंडिकेटर्स है, हम इनको इजीली अपने घर में बना सकते हैं। सो टर्मरिक हल्दी आपके घर में प्रेजेंट होती है, आप इसको रबिंग एल्कोहल में या वाटर में थोड़ा सा मिक्सअप करके इसका एक पेस्ट या सॉल्यूशन रेडी कर सकते हो अपने टेस्टिंग के लिए। तो ये क्या शो करेगी, वी वेरी वेल नो कि टर्मरिक जो है वो डार्क येलो कलर की होती है। क्लियर? तो अब इसकी टेस्टिंग के लिए हम फिर से अगेन दो अननोन सब्सटेंसेस लेंगे, तो उसमें क्या शो होगा कि अगर तो वो सॉल्यूशन या वो सब्सटेंस एसिडिक है, उसमें एसिड प्रेजेंट है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा पेल येलो में, मींस उसका कलर जो है हमारे सॉल्यूशन का या सब्सटेंस का लाइट येलो कलर का हो जाएगा वो, और अगर वो बेसिक है, वो एसिडिक नहीं है, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। कब? उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट या टर्मरिक का सॉल्यूशन जब उसमें हम मिक्स करेंगे तो। क्लियर? सो नेक्स्ट इज चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज का जो फ्लावर है उसकी हमने पेटल्स ली जो कि लाइट पिंक कलर की होती हैं, उनको हमने उनका वाटर में सॉल्यूशन बनाया, तो लाइट पिंक का जो सॉल्यूशन हमारे पास चाइना रोज पेटल्स का आया है, अब उसको भी हमने यूज़ करना है सब्सटेंस के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो इसका हमें पता चलेगा कैसे, चाइना रोज पेटल्स का जो सॉल्यूशन है वो एसिड में दे देता है डार्क पिंक कलर। अगर वो सॉल्यूशन आपका डार्क पिंक कलर का हो जाता है चाइना रोज पेटल्स का सॉल्यूशन मिक्सअप करने के बाद, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक था, वो चीज़ उस चीज़ में एसिड प्रेजेंट था। और अगर वो आपका सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन को डालने के बाद हो जाता है ग्रीन कलर का, इट मीन्स उसमें कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं था, दैट इज अ बेस। सो दीज आर आवर थ्री नेचुरल इंडिकेटर्स, एंड नाउ वी विल डू आवर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको हमने खुद प्रोड्यूस किया है, प्रिपेयर किया है इन द लैब्स। सो फर्स्ट इज फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है, और जब अगर उसको किसी एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा तो भी वो कलरलेस ही रहेगा। इट मीन्स अगर किसी सॉल्यूशन में उसको हमने देखना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और इट इज़ बेसिक, तो अगर फिनोल्फथलीन को ऐड करने से सॉल्यूशन जो है आपका वो कलरलेस हो जाता है, इट मीन्स वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। एंड अगर फिनोल्फथलीन को ऐड करने से आपका सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। एंड देन सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। एज द नेम सजेस्ट, ये जो है ऑरेंजिश कलर की होती है इंडिकेटर, और अगर इसको किसी सॉल्यूशन में डालने से जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाता है, इट मीन्स दैट इज एसिडिक, और अगर जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाता है, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज अ बेस, इट मीन्स उसका केमिकल नेचर जो है वो बेसिक है। देन
there are some substances जो कि ना ही एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, उनको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। वो चाहे आपकी रेड लिटमस स्ट्रिप है या ब्लू लिटमस स्ट्रिप है, तो उनका जो सब्सटेंसेस से उनका कोई स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, तो इन पे इंडिकेटर्स से कोई भी ये कलर चेंज इंडिकेटर्स का नहीं करेंगे। सो दोज आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। सो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर्स। Please like my video, share also, you can comment in the comment section if you have any query, and subscribe my channel also. Thank you.